हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी गुड। दिस इज अभिनय निगम एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के आज हम पैटर्न 14 की बात करेंगे। 1 से लेकर 13 पैटर्न में करवा चुका हूँ, वही तरीके से हम लोग 14 को भी सॉल्व करेंगे डेमो डायग्राम की हेल्प से। आज लास्ट वीडियो है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का, एंड आप अगर प्रोजेक्शन ऑफ लाइन अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो पहले वीडियो से ही आप प्रोजेक्शन ऑफ लाइन को पढ़िए और समझिए कि एग्जैक्टली प्रोजेक्शन ऑफ लाइन है क्या। दोस्तों, अगेन डेमो डायग्राम मैंने बना रखा है पहले से ही, आपको पता है कैसे डेमो डायग्राम बनता है। फ्रंट व्यू, ट्रू लेंथ, फ्रंट व्यू को बिल्कुल स्ट्रेट नीचे ले जाइए, टॉप व्यू ले लीजिए, दो एंड सेलेक्ट कर लीजिए। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट ट्रेसेस के लिए जो रूल बनता है वो आपको पता है, फ्रंट व्यू स्मॉल एच और वीटी एक लाइन में होते हैं, कोलिनियर होते हैं। जैसे कि ये है, देखिए, फ्रंट व्यू, वीटी एंड स्मॉल एच एक लाइन में है, सेम एज टॉप व्यू स्मॉल वी और एचटी, टॉप व्यू स्मॉल वी और एचटी एक लाइन में है, कोलिनियर है। स्मॉल वी एंड स्मॉल एच एक्स एक्स लाइन पर ही होते हैं। स्मॉल वी से वी टी ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है, वर्टिकली होगा। स्मॉल एच से एस टी ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है, वर्टिकली होगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज एक और यहां पर जुड़ जाती है कि जो ए डैश बी डैश के बीच की जो एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसे हम डिस्टेंस बिटवीन ऑफ एंड प्रोजेक्टर्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आई होप जो क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 5 या 6 पैटर्न जो था उसमें ये पैटर्न कवर किया गया था मैंने, द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ एंड प्रोजेक्टर्स। तो थोड़ा सा वो देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। दैट मीन्स ए डैश ए और बी डैश बी के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, या उसको यूं बोल दूं कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के स्टार्टिंग एंड से, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के आखिरी एंड एंड्स की हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होती है उसे हम डिस्टेंस बिटवीन ऑफ एंड प्रोजेक्टर इस लाइन से जानते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ एंड प्रोजेक्टर्स ऑफ अ लाइन ए बी इज 70 मिलीमीटर। दैट मीन्स यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 70 मिलीमीटर दे रखी है। तो खैर, अभी आगे चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर एक एक चीज को डिस्कस करते हुए क्वेश्चन को खत्म करते हैं। आइए देखें क्वेश्चन को कैसे करना है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको एक्स एक्स लाइन मार्क करनी है, मैं एक्स एक्स लाइन बना लेता हूं। ओके, एक्स एक्स लाइन कह दीजिए या एक्स वाई लाइन कह दीजिए। यहां पर मैंने एक एक्स वाई लाइन, थोड़ा सा मैं इसको डार्क बना लेता हूं ताकि आपको समझ में आए मैंने क्यों इतनी नीचे बनाई है, ये भी आपको समझ में आएगा। ओके, और यहां पर कहीं मैं एक पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूं, ये मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया दोस्तों, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये यहाँ पर एक्स एक्स वाई लाइन ले ली और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। अब हम सबसे पहले एंड्स की इन्फॉर्मेशन को रीड करते हैं, जरा पढ़िए एंड्स की इन्फॉर्मेशन। द डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर ऑफ अ लाइन ए बी इज 70 मिलीमीटर, ये कोई एंड की इन्फॉर्मेशन नहीं है। द प्रोजेक्टर थ्रू द ट्रेसेस आर 110 मिलीमीटर अपार्ट, तो ये भी कोई एंड्स की इन्फॉर्मेशन नहीं है। द एंड ऑफ अ लाइन इज 10 मिलीमीटर अबोव द एचपी, और अबोव कहाँ बनता है ये आपको पता है। एंड्स की इन्फॉर्मेशन जैसे ही आपके पास में आती है, 10 मिलीमीटर अबोव एचपी आपने स्केल रखी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, पॉइंट यहां पर मार्क किया और इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपने एक लोकस ड्रॉ कर ली, कुछ ये रही लोकस। अब ऊपर अगर पॉइंट आता है, सबसे पहला एंड आप जानते हैं थ्रू आवर डेमो डायग्राम के, इसको हम ए डैश बोलते हैं, तो ये हमारा ए डैश बन जाता है। क्या और कोई एंड की इंफॉर्मेशन, देखिए फुल स्टॉप लग गया, मतलब अब आपके पास में ये वाला एंड तो है पर ये एंड इसने गिवन नहीं कर रखा। अगर ये एंड आपके पास में नहीं है मतलब आप नीचे की टॉप व्यू और ट्रू लेंथ को ड्रॉ आप नहीं कर सकते, एंड्स की और कोई इंफॉर्मेशन यहां अवेलेबल नहीं है। तो नेक्स्ट हम एंगल को पढ़ते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन में से आप एंगल को फाइंड कर लीजिए, एंगल कहां दे रखा है। इफ द टॉप व्यू एंड द फ्रंट व्यू ऑफ लाइन मेक्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद एक्स वाई, दोस्तों टू द एचपी टू द वीपी नहीं बोला, हमें जरूरत भी नहीं है क्योंकि हम जानते हैं फ्रंट व्यू ए डैश से बनता है, ए डैश हमारे पास में है, ऊपर बना देंगे। टॉप व्यू को बनाना है दोस्तों, ये तो है ही नहीं तो टॉप व्यू बना ही नहीं सकते, तो यहां पर हम टॉप व्यू का एंगल कैरी कर लेते हैं बट फ्रंट व्यू का हम बना सकते हैं, तो इसको हमने अंडरलाइन कर दिया, 60 डिग्री को हम बना रहे हैं। 60 डिग्री कहां बनेगा, ए डैश से फ्रंट व्यू बन जाएगा। यहां पर आप डी को कुछ इस तरह से रख दीजिए, प्लेस कर दीजिए एंड यहां से आप 60 डिग्री को मेजर कर लीजिए, तो ऑलमोस्ट ये आपका 60 डिग्री हो जाता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट से इसको मिला दीजिए, ये 60 डिग्री हम लोग बना रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने इतनी नीचे क्यों ले रखा है इस एक्स एक्स को, और अभी और समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए हमने एंगल्स को बना दिया, एंगल हमारे पास में खत्म हो गए, इसको पर्टिकुलर को हमने कैरी कर लिया 30 डिग्री, अब हम नहीं बना पाएंगे जब तक कि हमारे पास ए पॉइंट नहीं आएगा, या ए पॉइंट चाहिए टॉप व्यू को बनाने के लिए, या फिर स्मॉल बी चाहिए या फिर एच डी चाहिए, मतलब इन तीनों में से कुछ भी एक हमको मिल जाए, हमारा
टॉप व्यू का एंगल की ओपनिंग हो जाएगी। तब तक हम टॉप व्यू नहीं बना सकते जब तक कि कोई भी एक पॉइंट हमारे पास में ना आ जाए। अगर आपको टॉप व्यू बनाना है तो आपको स्मॉल वी मिल जाए, एच टी मिल जाए या फिर ए मिल जाए, ठीक है? नहीं है अभी कैरी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट थर्ड पे हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों, लेंथ और डिस्टेंस पढ़ते हैं। अब हमें लेंथ और डिस्टेंस दे रखी है क्या? बिल्कुल दे रखी है। सबसे पहले दे रखा है द डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर ऑफ अ लाइन ए बी इज 70 मिलीमीटर। अब दोस्तों इस लाइन का मतलब क्या होता है, पहले ही मैंने आपको बताया। दोस्तों प्रोजेक्टर्स का मतलब क्या होता है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, और उनके एंड्स की बात करी जा रही है। मतलब फ्रंट व्यू के टॉप व्यू के एंड्स कौन कौन से हो गए, ए डैश बी डैश ए बी, इन दोनों की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है ये, और इसकी लेंथ उसने गिवन कर रखी है कितनी, 70। क्या हमारे पास में ये लाइन है? बिल्कुल है, ये रही। तो यहां से जब हम 70 मिलीमीटर मेजर कर देंगे तो हमारे पास बी डैश भी आ जाएगा, मतलब फ्रंट व्यू हमारे पास में गिवन हो जाएगा, ठीक है? तो यहां से 70 मिलीमीटर में मेजर करता हूं, ये रहा 70 मिलीमीटर कहीं यहां पर, ओके आप देख सकते हैं 70 मिलीमीटर। और इस 70 मिलीमीटर को थ्रू आवर डेवो डायग्राम क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं कि वर्टिकल लाइन बना रखी है। तो मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट से वर्टिकल लाइन को ऊपर उठा दिया। जब मैं वर्टिकल लाइन को ऊपर उठाता हूं ये यहां पे इंटरसेक्ट करता है, और इस पर्टिकुलर इंटरसेक्शन, इस पर्टिकुलर इंटरसेक्शन पॉइंट को मैं कुछ इस तरह से लोकस के थ्रू ड्रॉ करता हूं। दोस्तों ये मैंने लोकस के थ्रू ड्रॉ कर दिया इसको, इसको मैं बी डैश यहां लिख सकता हूं। अब दोस्तों यहां पे लोकस हमारा बन जाता है और ये हमारा फ्रंट व्यू आ जाता है, इसको हम डार्क कर देते हैं, ये हमारा फ्रंट व्यू, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस हम बना चुके हैं। अब द प्रोजेक्टर थ्रू ट्रेसेस आर 110 मिलीमीटर अपार्ट। देखो प्रोजेक्टर मतलब फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के थ्रू जो ट्रेसेस बनी है, ट्रेसेस कौन सी होती है तो हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रेस और वर्टिकल ट्रेस। इसके बीच की जो उसने डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है 110 मिलीमीटर। अब देखो यहां पे तो अगर एच टी और वी टी के बीच की दूरी 110 मिलीमीटर है तो स्मॉल एच और स्मॉल वी के बीच की डिस्टेंस भी 110 मिलीमीटर ही होगी। अब देखिए फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू को जैसे ही यहां से मैं नीचे ड्रॉप करता हूं स्मॉल एच आता है, सेम एज यहां इस पर्टिकुलर पर गया मैं, यहां से मैंने इसको नीचे ड्रॉप किया और जैसे ही मैं नीचे इसको ड्रॉप करता हूं स्मॉल एच आ जाता है, ठीक है? ये स्मॉल एच, ठीक डन। अब जैसे ही स्मॉल एच आ गया, अब यहां इस स्मॉल एच से स्मॉल वी या ये कह दूं VT की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है 110 मिलीमीटर। तो यहां से मैं 110 मिलीमीटर चला जाता हूं, दिस इज 100 एंड दिस इज 110, और यहां से मैं एक वर्टिकल लाइन को बना लेता हूं। यहां से 110 मिलीमीटर इधर आया और जैसे ही मैंने वर्टिकल उठाया, देखिए 110 आया तो स्मॉल एच से स्मॉल वी पे 110 है, स्मॉल एच से स्मॉल वी पे 110 है, और मुझे पता है वी टी किस पर मिलता है, फ्रंट व्यू पे, फ्रंट व्यू इतना ऊपर जा रहा है। तो मैंने इस पर्टिकुलर से वर्टिकल लाइन को ऊपर उठाया, ऊपर उठाया, ऊपर उठाया, और यहां से इस लाइन को ए से मिला दिया। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये मुझे क्या देने वाला है, वी से ऊपर क्या मिलेगा, वी टी। तो यहां पर पर्टिकुलर पॉइंट मुझे वी टी का मिल गया, ठीक है दोस्तों? ये मुझे क्या मिल गया, VT। इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं, आपको लग रहा होगा मैंने ये नीचे क्यों लिया है, ठीक है? तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए, नाउ आपके पास में शीट रहेगी, आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए जरा, अब हम आगे चलते हैं। तो देखो मैंने बोला था अब टॉप व्यू का एंगल आपका कैरी है, क्या टॉप व्यू के लिए हमारे पास में कुछ पॉइंट आ चुका है? तो जरा देखें, बिल्कुल टॉप व्यू को बनाने के लिए मैंने क्या बोला था, या तो ए चाहिए या वी चाहिए या एच टी चाहिए, वी चाहिए एच टी। देखो वी तुम्हारे पास में आ गया है, यहां वी से टॉप व्यू का भी एंगल बनता है दोस्तों, और वी से ट्रू लेंथ का भी एंगल बनता है। हमें किसका एंगल दे रखा है, टॉप व्यू का एंगल, कितना, 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इस वी पॉइंट से नीचे कहां पर बनाएंगे, इस पर्टिकुलर वी पॉइंट से नीचे हम लोग 30 डिग्री मार्क करेंगे। क्यों मार्क करेंगे, क्योंकि हमको पता है स्मॉल एच से जब हम नीचे वर्टिकल लाइन ड्रॉप करेंगे, ये देखिए जरा स्मॉल एच से एच टी नीचे होता है। देखो ऊपर करोगे तो कुछ भी एंड नहीं मिलना, क्योंकि कोई टॉप व्यू यहां पर नहीं है, और एच टी एवरी टाइम टॉप व्यू से जुड़ा होता है। तो टॉप व्यू जब इधर आएगा तो ही वो एच टी पॉइंट पर कहीं मिल पाएगा। अब यहां पर हम डी रखते हैं, और टॉप व्यू का एंगल चूंकि हमको, टॉप व्यू का एंगल चूंकि हमको कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो यहां पर हम 30 डिग्री मेंशन करते हैं, जरा देखिए ये हमने लिया और 30 डिग्री बना देना है,
यहां से ये हो गया दोस्तों 30 डिग्री, ठीक है, दिस इज आर 30 डिग्री। मुझे लगा था कॉपी के बाहर निकल जाएगा पर बच गए हम लोग, ठीक है। तो यहाँ V से मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट को मिलाया और यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है हम लोगों का H T। अब आप बोलेंगे टॉप व्यू कहाँ है, बिल्कुल देखो जरा, A डैश से A जस्ट नीचे होता है और B डैश से B जस्ट नीचे होता है, तो सेम एज A डैश B डैश हमारे पास में है तो हमारा टॉप व्यू भी आ गया है। ये आ गया टॉप व्यू, ये रहा आपका स्मॉल a और ये आ गया आपका b, दिस इज योर टॉप व्यू। जैसे ही आ जाता है हम लोग लोकस बना लेते हैं, ये लोकस बना ली हमने कुछ इस तरह b के लिए, ये लोकस हमने बना ली इस तरह, दिस इज b, दिस वन इज a, ठीक है दोस्तों। तो ये आ गया हमारा टॉप व्यू और ये आ गया हमारा फ्रंट व्यू। और जब टॉप व्यू आपके पास में आ जाता है तो ऊपर की ट्रू लेंथ आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो पता है टॉप व्यू, ए पर राउंडर, बी पर पेंसिल घुमाकर ए पर लाए एंड देन बी डैश की साइड आप गए, सेम एज ए पर राउंडर बी पर पेंसिल घुमा करके आप ए की तरफ आए, ओके, और बी डैश की साइड आपने अप्रोच करी कुछ इस तरह से और ये आपको यहां पे मिल जाता है बी वन डैश और यही आपका क्या होगा दोस्तों, यही आपका होगा ट्रू लेंथ, ठीक है। तो जब ये आपकी ट्रू लेंथ आ जाती है तो ये वाली ट्रू लेंथ भी आपकी बन जाएगी, देखते हैं बनती है या नहीं बनती है, काफी बड़ी लेंथ है, राउंडर भी नहीं जाएगा। स्केल से मेजर कर लेते हैं, ऑलमोस्ट 15.3 यहाँ पर रखते हैं कुछ इस तरह से, 15.3 आपका ऑलमोस्ट आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपकी आ गई ट्रू लेंथ, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ये बन जाता है, ठीक है, कुछ ये वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह से आप बना पाते हो। बाकी प्रेजेंटेशन कर दीजिए बी वन, ओके। अब यहां पर देखिए गाइस, प्रेजेंटेशन मैंने कुछ इस तरह से कर दिया है, एरोज टॉप व्यू ऊपर जाता है और मुझको ट्रू लेंथ दे देता है, ट्रू लेंथ यहां पर सेपरेटली मैंने मेंशन कर दी है 153, यहां पर इसको भी मेजर कर लिया है, ये 147 है, देन आफ्टर मैंने मेजर इसको भी कर लिया है, टॉप व्यू 81 मिलीमीटर है एंड देन 150 मिलीमीटर ट्रू लेंथ सेम। अदरवाइज मैं सेपरेट लाइन खींच करके एंगल और लेंथ मेंशन करता हूं, एंगल यहां पे 30, यहां पे 15, यहां पर 56 और यहां पर 60 डिग्री मैंने मेंशन कर दिया है। दिस इज लाइक दिस इज थीटा, दिस वन इज अल्फा, दिस इज फाई एंड दिस वन इज बीटा। गाइज यहां पर 10 मैंने मेंशन कर दिया है, लोकस ऑफ पॉइंट बी फॉर फ्रंट व्यू एंड लोकस ऑफ पॉइंट वी फॉर टॉप व्यू। यहां पर मैंने 70 मिलीमीटर भी मेंशन कर दिया और यहां पर जगह नहीं थी तो 110 मिलीमीटर यहां मेंशन कर दिया है, डिस्टेंस बिटवीन ऑफ एंड प्रोजेक्टर एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑफ ट्रेसेस, ठीक है दोस्तों। तो फाइनली क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है कुछ इस तरह से, डायग्राम काफी बड़ा चला गया है बिकॉज एच और एच टी यहां है जबकि वी और वी टी यहां पर आ गए हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, बनाना आपको आया होगा और कुछ इस तरह से हम लोग इसको पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं, ठीक है। एंड आई होप प्रोजेक्शन ऑफ लाइन आपको समझ में आया होगा पूरा, ये भी आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, और अगर आया है दोस्तों तो प्लीज तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।